ये देखिए कल से मैं कर रही हूँ मुझे शॉपिंग कराओ, लेकिन आज भी ये सुबह के बाहर गए हुए थे और अभी आए हैं, अभी इन्होंने खाना खाया है और अब हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या दिलवाएंगे, क्या दिलवाओगे? कुछ भी नहीं, फिर वैसे ही लेके जा रहे हो, वैसे ही लेके जा रहे हैं, ये देखिए फिर क्या फायदा। अब 12 बजे हुए हैं तो कब मैं रेडी होंगी, कब मैं कहानी सुनूंगी, ये देखिए बोलो क्या दिलवाओगे? घुमा के ले आऊंगा घर सारा। बस घुमा के तो मैं यहाँ पर छत पे नहीं घूम लूंगी। बाहर गेट में से घुमा के रोटी ले आऊंगा। देखते हैं क्या दिलवाते हैं। चल 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 चल। सबसे पहले बैग खरीद लूंगी, ये बैग ले लूंगी। बहुत ही भीड़ है बाजार में ना, ये सब ऐसे ज्यादा कर दीवान की शॉपिंग लगी हुई है। चालीस % ऑफ आउट है कोई नूर वाले में। सेम यही चाहिए थी, ये ऐसे ही कलर दिखा। ये देखिए मैं नेल पेंट ले रही हूँ और बहुत सी वैरायटी है भैया के पास, एक से एक से बढ़कर एक, और मुझे पसंद आएगी वो देखती हूँ मैं। ये देखिए कितने कलर है इसके अंदर और बहुत ही क्यूट है सब। देख ले पसंद कर ले, मन ने ना करो, मैं तो भाई साहब ने पेमेंट देनी है, मैं तो पेमेंट दे सकूं क्या गलत है भाई साहब, पसंद कर ले अपना। ये देखिए सब्जी मंडी में आए हैं, कुछ सब्जी खरीद लें और फल फ्रूट भी खरीद लें साथ में। केले एक दर्जन, सब्जी सारा बैग ले रही, इतना वजन हो गया बैग वजन हो गया कितना। अब कहाँ छोरी भी देखे। ये देखिए स्कूल बैग, कॉलेज जाओगे क्या स्कूल में? कंगन तो दिलवा दे, कंगन ये चूड़िया छलनी, ये देख छलनी, चले क्या कुछ और लेना है? और क्या दिलवाओगे बोलो, सूट दिलवा दो। बाजार से निकल आए हैं हम, अब लड़की को जा रहे हैं ले फूल वाले नहीं, मुश्किल
मिल जाएगा उसको। फाइनली हम आ गए हैं बाजार से, अब घर पर आ गए हैं। और सबसे पहले हमने ये बैग लिया था, ये देखिए, क्योंकि बैग की इन्होंने जरूरत थी। अब ये न्यू कंपनी में ज्वाइन किया है तो इन्होंने बैग चाहिए था, तो बैग लेके आए हैं। और फ्रूट लेके आए हैं, फ्रूट में केले, सेब और पपीता, और एक मस्त ही ड्रेस लेके आए हैं। वो जानवी की सेम ड्रेस थी, मेरे नेट की भी, नैन्सी के नेट की भी, लेकिन हम दोनों ने पहनी हुई, लेकिन जानवी की ड्रेस लेके आई है, बहुत ही प्यारी है वो। जानवी दिखाना आपकी ड्रेस। और ये देखिए अपने लिए परफ्यूम लेके आए हैं, डियो परफ्यूम अलग होता है। अच्छा, तो ये डियो है, ये अपने लिए लेके आए हैं। और ये देखिए जानवी की ड्रेस, कितनी प्यारी ड्रेस है, बहुत ही प्यारी है। इसको पहना के देखी थी, बहुत ही मस्त लग रही थी। और ये डिजाइन वगैरह, बटन देखिए कितने प्यारे हैं, बहुत ही प्यारी है। और मैं अपने लिए लेके आई हूँ ये लिपस्टिक लेके आई हूँ, ये देखिए अभी लगाऊंगी मैं ये, अभी रेडी होंगी तब। और ये नेल पॉलिश लेके आई हूँ, ये देखिए कितने प्यारे कलर है ना। और ये प्राइमर भी लेके आई हूँ साथ में ही, और ये दो बिंदी के पैकेट लेके आई हूँ, कितने प्यारे हैं। और नैन्सी और बच्चों के लिए खाने के लिए ये देखिए मैं टोपी लेके आई हूँ, नारियल की टोपी, ये ले जान ली, एक है एक पैकेट, एक नैन्सी के लिए। और ये मैं लेके आई हूँ। और ये देखिए आते ही कवर लिया, और ये पैकेट मैं इनके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि इसके हंसी मजाक हो गया बहुत। अब टाइम हो गया है, कितना टाइम हो गया, घड़ी भी रुकी पड़ी है, घड़ी भी ठीक करनी है। मैं रुक रहा हूँ, ढाई बज गए, तो मैं अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, और कान भी सुननी है फिर मैंने, तो अब हंसी मजाक बहुत हो गया। हो गई हूँ मैं रेडी, और ये देखिए मैंने क्या पहना है, लहंगा चुन्नी, ये मेरी शादी का लहंगा चुन्नी है, तो मैंने शादी में पहना था और अब पहन रही हूँ, बताइए कैसी लग रही हूँ। अब मैं कहानी सुनने के लिए तैयार हो गई हूँ, तो ये मैंने जानवी को बांध दिया है धागा, और जो सूर्यदेव को पानी देना था उसको भी बांध दिया है, फलों को भी बांध दिया है। और कहानी सुनने के लिए तो मैंने फ़ोन का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही कहानी सुनूंगी, क्योंकि मेरी सास को कहानी आती नहीं और वो थोड़ी दूर भी रहती है, तो मैं अब तैयारी कर लेती हूँ। ये सिंदूर का टीका भी लगा दूंगी सबको, जानवी को भी। और ये देखिए अयान बार बार पानी की तरफ आ रहा है, और मैं मना कर रही हूँ तब भी पानी की तरफ आ रहा है, और पानी पिला भी दिया इसको, फिर भी ये पानी चाहिए इसको। बच्चों को तो ऐसे ही शरारत करनी होती है बच्चों को तो। और ये मैंने तिलक लगा लिया है, और अब मैं कहानी पढ़ लूँगी, और फ़ोन से ही सुनूंगी मैं कहानी। और कहानी सुनने के बाद ये देखिए मैं सूर्यदेव को पानी दे देती हूँ, मैं छत पर आई हूँ सूर्यदेव को पानी देने के लिए। और पानी देने के बाद मैं फल आहार कर लूँगी, और अब देखिए मैंने पानी दे दिया, और ये देखिए अयान नीचे खेल, फ्रूट फूड हो गया है मेरा। और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, ये देखिए वही गाउन डाल लिया है दोबारा से, और मैं आपको क्या दिखाती हूँ, ये देखिए देखिए मैंने लहंगा चुन्नी जब से निकाला है, क्योंकि मैंने निकाल दिया, भारी बोलता है ये लहंगा चुन्नी, और अयान को भी दूध पिलाना पड़ता है इसलिए मैंने निकाल दिया, और ये सूट ही डाल लिया मैंने। तो जैसे ही मैंने निकाला, और ये देखिए नैन्सी ने पहन लिया, कैसी लग रही है ये नैन्सी, वैसे ये थोड़ी ही पतली है इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है इसको, वैसे बोलती क्यूट लग रही है ना, क्यूट गर्ल है ये, छोटी सी क्यूट गर्ल, लड़कियां कब जवान हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो ये देखिए नैन्सी अब कितनी बड़ी हो चुकी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल की बात ही है, नैन्सी बिल्कुल छोटी सी थी, और ये अब देखिए कितनी बड़ी हो गई है। हेलो गाइस, कहानी सुनने के बाद ये देखिए मैं अपनी सास के पास आई थी, और ये जो करवे होते हैं और फल फ्रूट होते हैं वो देने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। ये देखिए अयान भी आकर अपनी माँ के गोद में बैठ गया है पहले से ही, और ये देखिए मैं आशीर्वाद ले लेती हूँ अपनी सासू माँ से। और
ये देखिए मेरा व्रत है और इन ये क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। बोलो पार्टी तो बनती है गोलगप्पे क्या कर रहे हो, गोलगप्पे खा रहे हो? मुझे तो खाने नहीं। अब शाम का टाइम हो गया है तो सारा दिन हो गया है ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला दिन का। तो अब आ जाते हैं सीधा किचन में, तो कर लेते हैं खाने पीने की तैयारी। तो खाने में मैं बनाऊंगी आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, और इसके लिए मैंने ये ले लिया है सामान, प्याज लहसुन जो भी होता है। और फिर मैं खीर बनने के लिए रख दूंगी और मैं खीर बनाऊंगी। ये अब मैं सब्जी चीर लेती हूँ, पहले सारी सब्जी अच्छे से धोकर छील लूँगी, और जो भी होता है लहसुन प्याज वगैरह सब कट कर लूँगी मैं। ये शिमला मिर्च को अच्छे से कट करूँगी मैं, इसके सारे बीज निकाल कर पहले से वॉश कर ली थी मैंने, और बाद में नहीं वॉश करनी पड़ेगी इसलिए मैंने पहले से ही वॉश कर ली अच्छे से। और ये जाह्नवी को मैंने भेजा था आलू लेने के लिए, आलू नहीं थे घर पर, और हम बाज़ार गए थे तब भी याद नहीं रहे आलू घर पर है ही नहीं। मैंने सोचा घर पर रखे होंगे आलू, और घर पर देखा तो नहीं थे, तो अब यही पास से मैंने जाह्नवी से मंगवाए हैं, और जाह्नवी ले आई है, और उन्हें भी अच्छे से पहले कट कर लूँ। और ये सारी सब्जियां मैंने कट कर ली है, और अब मैं चौका लगा दूंगी एक गैस पे। तो मैंने खीर बनने के लिए रख रखी है पहले से ही, और अब मैं सब्जी तैयार कर लूँ एक गैस पे, और फिर सासू माँ की रोटी भी पहुँचानी है मैंने, और जल्दी से बना लूँ। और इसके अंदर मैं लहसुन कूट रही हूँ जो मैंने लहसुन छीले थे, जल्दी जल्दी से। और अब मैं साथ के साथ ही खीर भी संभालती रहूंगी, क्योंकि खीर तो संभालनी ही पड़ती है ताकि दूध बाहर ना निकल जाए। साथ के साथ दो काम हो जाएंगे, खीर भी बन जाएगी और सब्जी भी बन जाएगी। तो मैं जल्दी से फटाफट से सब्जी में छमका लगा दूं। और ये देखिए मैंने ऑयल प्याज सब कुछ डाल दिया इसके अंदर जीरा तिलकने के बाद, और ये लहसुन भी डाल दूंगी और इसे अच्छे से भून लूंगी। और फिर मैंने ये सारी सब्जी डाल दी है, और इसको अच्छे से खर्ची के साथ मिक्स कर दूंगी, और फिर इसको ढक दूंगी और ये बनती रहेगी। कपड़े मैंने पहले से ही चेंज कर लिए थे, क्योंकि लहंगा चोली पहनने के बाद ये काम तो नहीं होंगे मुझसे, क्योंकि मैं बहुत ही कम पहनती हूँ लहंगा चोली, क्योंकि मैंने शादी में ही पहना था एक बार मेरी में, और फिर बाद में पहना नहीं, जैसे पहन लेते हैं देवर बहन की शादी में वैसे मैंने नहीं पहना। और ये फ्रंट वाली चूड़ी है जो बड़ी है, तो इसलिए इसको मैं निकाल दूंगी, क्योंकि ये आटा गूंथने में थोड़ी दिक्कत दे रही है। और मैं आपको याद दिला दूं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि जो भी अच्छी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके सामने आएगा। कमेंट शेयर फटाफट से जल्दी जल्दी से कर देना। और मैं आटा गूंथ रही हूँ, साथ के साथ ही रोटियाँ भी बेल लूँगी। ये मैंने सब्जी कर ली है तैयार और रोटियां बेल रही हूँ मैं अभी, तो मैंने ये दो तीन रोटियां ही बेली है, क्योंकि इसकी माँ की रोटी पहुँचानी है। ये मैंने रोटी पैक कर दी है और खीर भी डाल दी है इसके अंदर, तो बाद में बना लूंगी मैं, पहले ये वहाँ पे देके आओगे और मैं आन को रख लूँ, आन रह नहीं रहा, रो रहा है, तो ये जा रहे हैं अभी अभी के लिए गैस बंद कर दूंगी, रोटी बाद में बना लूंगी। ये देखिए ये बैठा है हमारा नंदा मुन्ना छोटू, ये आपके पापा के देख के रोएगा बहुत, इसके पापा जा रहे हैं और नैन्सी जा रही है। ये देखिए साथ में हो रही है, ये देखिए ये रोएगा बहुत ही, रोता है ये बाइक पे बिठाते हैं ना इसलिए। ये देखिए बाहर भी चला जाता है, तो ये अयान आ जाओ अपने आप बहुत रोएगा। ये मैंने इनके लिए खाना तैयार कर दिया हो, और बच्चों ने तो खीर खा ली है, रोटियां तो खाई नहीं है, तो मैंने इनके लिए और बना दी है रोटी, इनको भूख लगी हुई थी तो मैंने रख दिया है आटा, मैं बाद में बना लूंगी मेरी रोटी गरम गरम। और मैंने इनका लगा दिया है खाना, तो मैं दे आती हूँ, ये लगा दी है मैंने इनके लिए थाली खाने की, तो मैं दे आती हूँ खाना। तो
रात के 9 बजे हुए हैं, अब निकल आया है हमारा चांद, तो मैंने ये थाली तैयार कर ली है। अब मैं जा रही हूँ छत पर, और यहाँ से नीचे से नहीं दिखेगा चांद, क्योंकि छत पे से बिल्कुल क्लियर दिखेगा। और चांद को देखकर हम पानी दे देंगे और अपना व्रत खोल लेंगे। और बिल्कुल अंधेरा है, ये देखिए ऊपर बहुत ही अंधेरा है, तो छलनी में मैंने लगाया, इसकी वजह से थोड़ी ही रोशनी दिख रही है। वो देखिए चांद हमारा बिल्कुल पुल के ऊपर जो लाइटें लगी हुई है ना, उनके बीच में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। और चांद को देखकर ये देखिए, अब मैं मेरा चांद देख रही हूँ, और मेरा चांद भी बिल्कुल अंधेरा है ना, इसलिए कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। या अगर यहाँ पर लाइट होती तो बहुत ही अच्छी वीडियो शूट होती, लेकिन लाइट नहीं है। हमने फ़ोन की लाइट भी ऑन कर रखी है, फिर भी अंधेरा है। ये इन्होंने मेरा मीठा मुँह करवा दिया था, और मैंने भी करवा दिया। और जो मैंने खीर बनाई थी, सबसे पहले मैंने इन्हीं की हाथों से खाई है, और इन्होंने पानी भी पिलाया था मेरे। सदा स्वागत रहो, तेरा पति अमर रहे।